दोस्तों स्वागत है आप सबका इट्स एडू टाइम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, आपका जो आने वाला CHSL है, जिन भी लोगों का रह गया है उनके लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, CHSL 2019 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 2018 के जितने क्वेश्चन टाइम एंड वक्त के आए थे सारी की सारी शिफ्टों में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने क्या किया, अब तक हमने डे वन के अंदर टाइम एंड वर्क के फुल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, डे टू के अंदर CGL के अंदर जितने सारे क्वेश्चन आपके आए थे, जो अभी 2019 का पेपर 2020 मार्च में हुआ है उसके जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, CHSL 2018 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका 2019 CHSL का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन, देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी भाई दो लोग हैं, किसी कार्य को मिलकर 25 दिनों में कर लेते हैं। भाई क्या कह रहा है कि ए है और बी है, वो 25 दिनों में किसी कार्य को मिलकर पूरा कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब 25 दिनों में किसी कार्य को मिलकर के पूरा कर लिया, बी अकेले कार्य करता, अगर बी अकेले कार्य करता तो 33 एक सही 1/3% जो है वो 15 दिन में कार्य को पूरा कर लेता। ठीक है दोस्तों, बी क्या कर पाता, 33 1/3 जो परसेंट कार्य है वो कितने दिनों में कर लेता दोस्तों, वो कर लेता 15 दिनों में उसको पूरा। ठीक है दोस्तों, अब भाई सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 100/3% करूँगा तो आएगा 1/3, क्योंकि परसेंट हटा करके क्या आ जाता है, बट्टे में 100 आ जाता है ना दोस्तों, इस तरीके से। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आ गया। 1/3 काम अगर वो 15 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा वो 45 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो बी किसी काम को पूरा करता है 45 दिनों में। ठीक है जी, अब कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में कार्य का 4/15 हिस्सा पूरा कर लेता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये मालूम करना पड़ेगा कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, कुल काम क्या है। उसके लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे। भाई 45 और 25 का आंसर लेना तो बड़ा आसान है, 5 × 25, 5 × 45, 9 × 45 और 5, तो ये 25 × 9 लिख लो इसको। दोस्तों मैंने सिखाया था इस तरीके को, वो पिछली क्लास के अंदर बताया था ये तरीका कैसे अप्लाई करना है। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, ये रह गया 9, और यहाँ पर आप काटोगे तो 5 और 9, 9 से 9 कट के 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई अब हो गई गेम बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि बी की एफिशिएंसी अगर 5 है और ए बी की दोनों की मिला के 9 है तो ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। भाई अब काम कितना है, कुल काम इतना है, और उस काम का कितना हिस्सा पूरा करना है, 4/15 हिस्सा है ना भाई, 4/15 हिस्सा काम पूरा करना है। और किसको करना है दोस्तों, करना है काम को पूरा ए को। तो भाई ए को जब काम पूरा करना है तो देखना पड़ेगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है दोस्तों। कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो कितने दिनों में पूरा काम करेगा। भाई काट पीट दो जो कट रहा है, 4 से कट गया, 5 × 25, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15 आंसर आ गया दोस्तों। ये 15 क्या है दोस्तों, आंसर है ये 15 दिन वो दिन है जिसमें ए इस पूरे काम का 4/15 हिस्सा पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में देखूं भाई तो ए ऑप्शन है, ये हो जाएगा आंसर। तो फटाफट से आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आ जाइए फटाफट से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, 30 व्यक्ति 30 पर्सन है और वो 10 दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन, कितने घंटे, 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब भाई 30 आदमी 10 दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, ये हो गया काम हमारा। तो वो पूछ रहा है कि 40 आदमी कितने घंटे काम करेगी, काम 6 दिन में पूरा हो जाए। पूछ रहा है कि 40 बंदों को अगर मैं ड्यूटी पे लगाऊं 6 दिन, कितने दिन, 6 दिन।
तो अगर 6 दिन ड्यूटी में मैं लगाऊंगा उनको तो कितना वक्त लगेगा, कितना समय तक, एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा कि काम जो है वो मेरा पूरा हो जाए। तो दोस्तों देखो बड़ा आसान है, ये हो गया DCT कैंसल, ये हो गया PCP कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 4 दुनिया 8, 2 3 6, 6 कट गया, बच गया 10, 10 बच गया दोस्तों आर, यानी कि 10 घंटे काम उन लोगों को करना पड़ेगा एक दिन के अंदर। तब वो जो इतने लोग काम कर रहे हैं ना कि 30 लोग 10 दिन में 8 घंटे काम करके जितना काम कर रहे हैं, उतना काम 40 लोग 6 दिन तक 10 घंटे के हिसाब से काम करेंगे तब पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 घंटे। ऑप्शन में ये है डी दोस्तों, ऑप्शन में है ये डी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लग रहा है क्लास थोड़ी जल्दी चल रही है तो आप पहले फटाफट समझिए आपका फुल कॉन्सेप्ट, डे वन को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आ जाइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई ए है, बी है और सी है, 42, 84 और 28 दोनों में किसी काम को कर सकते हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है, और ए जो है किसी काम को 42, बी जो है 84 और सी जो है 28 दिनों में दोस्तों काम को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कार्य क्षमता क्या है इन लोगों की, कुल काम कितना है। तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएंगे दोस्तों। 42 के बारे में 84 आता है तो 42 तो मिट जाएगा, 84 और 28 की बात कर लेते हैं। भाई मुझको मालूम है कि ये भी मेरा जो है 7 से भाग हो जाता है और ये भी, तो देखो 7 4 28 और 7 12 पे हो जाएगा 84, 7 आ गया अलग। अब 4 के पहाड़े में 12 आता है तो 4 के लिए काफ़ी है कि मैं इसे मिटा दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 12। ठीक है दोस्तों, अब भाई 7 6 42 6 2 12, ठीक है जी, ये 12 से 12 कट के 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों सॉरी ये, और ये हो जाएगा 7 4 28 12। ठीक है दोस्तों, अब तो सवाल बड़ा ही सिंपल हो गया है। क्या कर रहा है भाई, वो कह रहा है कि ए काम करना शुरू करता है और बी उसको ज्वाइन करता है, उसके साथ जुड़ जाता है 3 दिन बाद। मतलब 3 दिन तक की बात करूं मैं, 3 दिन तक, 3 दिन तक जो है वो अकेले ए ने काम किया होगा, इतने दिनों में तो अकेले ए ने काम किया होगा ना, 3 दिन बाद उसके साथ बी आकर के जुड़ा है। तो 3 दिन ए अपनी कार्य क्षमता से यानी कि 2 की कार्य क्षमता से 6 काम पूरा कर लेगा दोस्तों। ठीक है जी, अब 3 दिन बाद कौन आ गया के साथ, बी आ गया, सही है भाई। आगे कहानी पढ़ लेते हैं, वो कह रहा है कि सी ने 5 दिन बाद ज्वाइन करा काम शुरू होने के, सी ने कितने दिन बाद, 5 दिन बाद उन लोगों को ज्वाइन करा काम शुरू होने के। तो भाई अभी तो तीसरा ही दिन चल रहा है, मतलब तीसरे दिन और चौथे दिन तो ये दोनों ही काम करेंगे और 5वें दिन जो है वो सी भी साथ में शामिल हो जाएगा। तो ए और बी कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, है ना, ये 2 दिन काम करेंगे। तो भाई ए और बी की कार्यक्षमता मिला के हो जाएगी 3 और ये भी 2 दिन काम करेंगे तो काम कर लेंगे कुल 6। ठीक है दोस्तों, भाई अब 5वें दिन तो जो है ए और बी तो लगे हुए थे बेचारे, अब सी भी आ गया। ठीक है जी, अब सी जो है उनके साथ काम करने लगा है, तो बताओ कि काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया है जी। सबसे पहले तो मुझको ये मालूम करना पड़ेगा यहाँ से कि अभी कितने दिन और लगेंगे काम को पूरा करने में। भाई 7 12 मतलब 84 मेरा कुल काम है, जिसमें से 6 इधर हो चुका है, 6 इधर हो चुका है, मतलब 12 काम हो चुका है। तो इसमें से 12 काम कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 72, यानी कि 72 काम इन तीनों को मिलकर के करना है। अब भाई तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 2 5 और 1 6, काटो भाई 12 आ गया, मतलब 12 दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी लेंगे 72 काम को पूरा करने में। तो इन 12 दिनों में ए बी सी तीनों ने काम किया है ना, तो ए ने भी तो काम किया होगा उन 12 दिनों में। तो ए ने यहाँ 12 दिनों में काम किया है जी, यहाँ ए ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन, और यहाँ कितने दिन काम किया है, 3 दिन। तो ए ने 12 काम यहाँ किया, 2 यहाँ किया, 3 यहाँ किया, 17 दिन काम करा है ए ने। कितने दिन काम करा है, 17 दिन ए ने जो है वो काम को किया है। ये आपका ऑप्शन नंबर है बी,
स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। तो दोस्तों आ जाइए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। ठीक है जी, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 16 दिन में। आगे क्या कह रही है कहानी की, सी और ए इसे कर लेते हैं 32 दिन में। सी और ए इसे कितने दिन में करते हैं जी, 32, बहुत बढ़िया। और बी और सी कर लेते हैं 24 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों, 24 दिन में, बहुत शानदार। अब यहाँ पर हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इनकी कार्यक्षमता क्या है, कुल काम क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएंगे। तो 16 के पहाड़े में 32 आता है, ये 16 के लिए काफ़ी है कि मैं इसे मिटा दूँ। 8 चौक 32, 8 3 12 और वो 3 चौक 12 और 8 हो जाएगा दोस्तों। अब कर लेते हैं 8 2 16 6, 8 चौक 32, 3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, आगे कहानी क्या कह रही है समझने की ज़रूरत है। कहानी कह रही है भाई कि 12 दिन तक मिलके तीनों ने काम किया है। अब भाई तीनों की मिलकर के कार्यक्षमता कितनी होगी, पहले तो ये सवाल है। तो भाई मैंने आप लोगों को समझाया था कैसे निकालना है कि भाई देखो 6 3 9 और 4 13, ये 13 क्या हो जाएगी, ये इनकी 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 जुड़ करके कार्यक्षमता हो जाएगी, जिसमें दो बार ए काउंट हो जाएगा, दो बार बी काउंट हो जाएगा और दो बार सी काउंट हो जाएगा। मतलब कि दुगनी है, मतलब कि बोले तो ऐसे है दुगनी। पर मुझको तो सिर्फ इनकी एफिशिएंसी चाहिए, तो आधा कर देंगे ना, ये दो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6.5। तो यानी कि भाई तीनों की कार्यक्षमता कितनी हो गई, 6.5 हो गई। अब भाई तीनों मिलकर के कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन। तो भाई इसको गुणा करना है 12 से, ठीक है जी। तो 13 को 6 से करना हो गया, मतलब सीधी सीधी बात है, यानी कि 78। 78 काम जो है कुल उन तीनों ने 12 दिन में मिलकर के कर लिया। आगे कहानी ये कह रही है कि सी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई कितना बचा हुआ काम है पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा। तो कुल काम कितना है, 96, उसमें से 78 काम हो चुका है। तो कितना काम रह गया भाई, 16 में से 8 गया, 8 और 1 18, ठीक है जी। अब भैया 18 काम जो है मेरे को ये सी को करना है, सी की कार्यक्षमता कितनी है, अरे भैया मालूम ही नहीं है ये। तो देखो कैसे मालूम करेंगे भाई, सी की अगर कार्यक्षमता मुझे मालूम करनी है तो मैं इनके जोड़े में से अगर ये वाला हिस्सा हटा दूँ, अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूँ तब तो मुझे सी की कार्यक्षमता मालूम चल जाएगी। तो ए प्लस में बी की कार्यक्षमता कितनी है, 6 है। तो 6.5 में से अगर 6 हटा दो तो मतलब आधी आधी कार्यक्षमता हो गई सी की। आधी कार्यक्षमता का मतलब भाई अब आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। देखो इसको या तो ऐसे लिखो और फिर पॉइंट हटा करके इधर 0 लगा लो और फिर इसको काटोगे तो 36 आएगा, ठीक है जी। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि लिखो 18 और आधा और ये आधा उधर जा करके 36 हो जाएगा। जैसे मर्जी करना भाई, आंसर तो 36 ही आएगा और वो ऑप्शन में है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आ जाइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि भाई 2 पाइप हैं, ठीक है जी, और 8 और 12 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। भाई एक पाइप ए है एक पाइप बी है और 8 और 12 घंटे के अंदर भर सकते हैं किसी भी टैंक को, ठीक है जी। फिर कहता है कि एक सी टैंक है जो कि 6 घंटे में खाली कर सकता है। कौन है, एक सी है, ये तो दोनों भर रहे हैं, प्लस वाले हैं और ये माइनस वाला है, और ये कितने घंटे में खाली कर देता है, 6 घंटे में। अब देखो दोस्तों आगे की कहानी पे हम लोग चलें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस पाइप की क्या कार्यक्षमता है। तो क्या करेंगे, फटाफट से हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाएंगे, लघुत्तम एलसीएम लेंगे। तो भाई 6 के पहाड़े में 12 आता है तो 6 तो मिट जाएगा, 4 2 8 4 3 12 तो ये हो जाएगा 24, 8 3 24 12 2 24 6 4 24, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कहानी आगे क्या कह रही है। कहानी कह रही है भाई कि ए और बी जो है ना वो 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं, वो पाइप साथ में खोले जाते हैं 3 घंटे के लिए।
और फिर बंद हो जाते हैं भाई। ए और बी जो है वो 3 घंटे के लिए खोले गए, फिर बंद कर दिए गए, फिर सी को खोल दिया गया। तो बताइए सी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो भाई 1 घंटे के अंदर ए इतना पानी भरता है, बी इतना पानी भरता है, दोनों मिलकर के कितना भरेंगे? 5। 3 घंटे के लिए भाई दोनों को खोला था, तो ये हो जाएगा 15। यानी कि 24 में से 15 ये लोगों ने भर लिया है, ठीक है। और अब जब सी को खोलूँगा तो यही 15 जो है मुझको खाली करना है। तो 4 की कार्य क्षमता से ये इसको करेगा खाली कितनी देर में? 4 × 12 और 3/4 हो जाएगा आपका आंसर। अगर भाई से ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन में है सी, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ए और बी किसी काम को मिलकर के 10 दिन में कर लेते हैं। और बी और सी उसी काम को 15 दिन में मिलकर कर सकते हैं। बी और सी कितने में दोस्तों? 15 दिन में कर सकते हैं। इसी तरीके से सी और ए 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कहानी क्या कह रही है कि भाई 8 दिन तक मिलकर काम किया, तो सी बताओ बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। तो 10 के पहाड़े में 20 आता है, 10 को भूल जाओ। 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 3 × 4 = 12 और 5 = 60। 10 × 6 = 60, 15 × 6 = 60 और 20 × 60। अब भाई हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ए प्लस बी की प्लस सी की कार्य क्षमता क्या है। तो भाई देखेंगे यहाँ पर कि 6 × 4 = 10, 3 = 13। ये जो 13 है ये क्या आई है? ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता दोस्तों? नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने 6 × 4 = 10, 3 = 13 को जो जोड़ा है इसमें ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार काउंट हो जाएगा। ए 2 बार, बी 2 बार और सी भी 2 बार काउंट हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो। इसका मतलब ये है कि ये जो 13 कार्य क्षमता है ना, ये तो दुगनी है इनकी। तो असल में इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी एक तरीके से, है ना दोस्तों। ये 2 इधर आ जाएगा। अब भाई ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 13/2 यानी कि 6.5, ठीक है दोस्तों। अब तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया है। तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया है। 2 × 8 और 13 × 52, तो कुल मिला के भाई 52 काम कर लिया होगा। अब 60 काम कुल टोटल है, 52 काम कर लिया, तो कितना काम बच गया? 8 काम। ये 8 काम किससे कराना है दोस्तों? सी से। मुझको पता है ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 6.5, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे सी की कार्य क्षमता पता करनी है तो ए और बी की हटानी पड़ेगी यहाँ से। तो देखो ए और बी की कार्य क्षमता है 6, अगर इस 6.5 में से ये 6 हटा दूँ तो ये आधा बच जाएगा। मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी है? आधी है। और ये ऐसे हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर ऑप्शन में देखें ना तो सी ऑप्शन है, ये सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 18 पुरुष 9 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकते हैं, ठीक है जी। कितने भाई? 18 पुरुष 9 दिन में कर सकते हैं किसी कार्य को, ठीक है जी। अब 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष आ जाते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है जी। भाई 5 दिनों तक तो काम करा है कितने लोगों ने? 18 लोगों ने। तो भाई अगर 18 × 9 जो है मेरा टोटल काम है, और उसमें से 18 लोगों ने 5 दिन काम कर लिया, मतलब कितना काम रह गया? 18 लोगों का 4 दिन के हिसाब का काम रह गया, है ना भाई। 9 दिन का कुल काम था, 5 दिन का काम कर लिया, तो 4 दिन का काम रह गया ना उतने लोगों का। अब वो कह रहा है कि मुझे 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं, मतलब जहाँ पहले मेरा काम रह रहा था 18 पुरुष 4 आदमी के हिसाब से, 18 पुरुष ने 4 दिन में जितना काम करना था, अब वो कितने दिन में होगा? अगर 18 की जगह कितने लोग हो जाएंगे? 24, क्योंकि 6 और आदमी जुड़ चुके हैं। तो भाई देख लेते हैं, एम से एम कट जाएगा, 6 × 18, 6 × 24, 4 × 4 कट गया 3, यानी कि 3 दिन मुझको लगेंगे। ऑप्शन में सी है ऑप्शन इसका, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीन शॉट। तो दोस्तों आ जाइए फटाफट से एक और क्वेश्चन को धूल चटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? ए 40% काम 6 दिनों में पूरा कर लेता है,
भी 30% काम 3 दिनों में पूरा कर लेता है। आगे क्या कह रहा है भाई कि साथ में मिलके काम करना शुरू करा लेकिन 2 दिन बाद बी ने दे दिया धोखा। अब बताओ कि भाई जब ए बेचारा लगा हुआ है अकेले ही तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो भाई पहले तो आप इस कहानी को समझे कि 40% 20% कितना होता है। भाई देखो 40% जो है वो होता है 2/5 और काम को दिखाना देगा 30%। 30% होता है फ्रैक्शन में कितना हो जाता है भाई, हो जाएगा 3/10। अब कहानी देखो भाई, एक ही बात करूं तो ए जो है वो कर रहा है 40% काम 6 दिन में, यानी कि ए कितना काम 2/5 काम 6 दिन में करता है, ठीक है जी। तो ए कितने दिन में एक काम को करेगा, 2 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, यानी कि 15 दिनों में जा कर के वो पूरा काम करेगा अगर 5 में से सिर्फ 2 ही हिस्से 6 दिन में कर रहा है। इसी तरीके से बी जो है 3/10 काम कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है उसको 3 दिन के अंदर। तो भाई मुझको कैसे पता चलेगा कि एक काम कितने दिन में करेगा, 3 × 3 × 3 10 गुना हो जाएगा, तो बी करेगा 10 दिन में। अब भाई ए 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, ले लो एलसीएम, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30, तो ये हो जाएगा 2 और 3। अब वो क्या कह रहा है कि भाई दोनों ने मिलकर काम करना शुरू करा पर बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है तो 2 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है। एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं, 2 दिन में कर देंगे 10 काम, कुल काम है मेरा 30, उसमें से 10 काम ऑलरेडी हो चुका है, कितना काम रह गया, 20 काम रह गया दोस्तों। अब ये 20 काम बेचारा अकेला ए लगा लगा कितने दिन में करेगा 2 की कार्यक्षमता से, भाई 10 दिन में करेगा, तो 10 हो जाएगा मेरा आंसर। और ये 10 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है, ठीक है जी, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आ जाइए दोस्तों देखते हैं, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 10, 20 और 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, अगर एक साथ काम करते तो कितना समय लगता। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, ए बी और सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं, 10, 20 और 60, तो लघुत्तम लेते ही आपका आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 6, 3 और 1। अब वो कह रहा है सब अगर मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, भाई सब मिलकर के अगर काम करते तो एक दिन में हो जाता 10 काम, 60 काम 10 की कार्यक्षमता से करने में 6 दिन में हो जाएगा ना दोस्तों, कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा, 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका आंसर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चन हमारे हर साल रिपीट होते हैं, और ये वाला जो CHSL हुआ है 2018 का, इसमें तो कितने क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, मैं अभी आपके सामने 1 by 1 लेके आने वाला हूँ, देखिएगा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग CHSL के अंदर भी फाइंड आउट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, वैल्यूज़ बदल दी है भाई, ए और बी और सी किसी काम को यदि 4, 28 और 56 दिनों में कर लेता है, 4, 28 और 56 दिनों में कर लेता है, भाई मिलके काम करेंगे कितना समय लगेगा। फिर वही सवाल बड़ा आसान सा, भाई 4 तो 28 में आता है हट जाएगा, 28 और 56 की करेंगे बात, तो भाई 7 चौक हो जाएगा 28, वैसे तो 14 से भी कर सकते थे पर ये अगर 7 से करेंगे 7 × 2 = 56, 8 के 4 के पहाड़े में 8 आता है, 4 मिट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 8, 4 × 2 = 8 = 14, 7 × 2 = 28 और 8 × 7 = 7 = 1, ठीक है जी। 14, 2 = 16 और 1 = 17, तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 17 काम करेंगे, कुल काम है मेरा इतना, 17 दिन में मुझे 17 की कार्यक्षमता से करना है, कितने दिन लगेंगे, 56/17, भाई 17 × 51 होता है तो कितना बच जाएगा, यह बच जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए भाई ऑप्शन में है 3, 5/17 है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ अगर आप ये कर लेंगे बहुत काफ़ी है आप लोगों के लिए कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए, ठीक है। फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ बदला ही नहीं है, जैसे CHSL जब बना रहे थे बैठ के तो उनके पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, सेम क्वेश्चन डाल रखे हैं दोस्तों, ए बी और सी
ए बी और सी किसी काम को 5, 20 और 60 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है 60 ही आ जाएगा, 5, 12, 20, 30 और 60 ही कम। वही सवाल है घिसा बेटा, तीनों मिलके करेंगे तो कितना वक्त लेंगे भाई, 12, 3, 15 और 1, 16, 60/16, 4 × 16, 4, 15, 15/4 हो गया, 3, 4, 3, 12, 3/4 आंसर। ऑप्शन में है दोस्तों, ए ऑप्शन है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो या तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिस्कशन भी होता है क्वेश्चंस का और वहाँ से शीट आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, ये भी बिल्कुल बिल्कुल A to Z सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बदल ही नहीं रहे, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है क्वेश्चन बदलने का, क्वेश्चन बिल्कुल वो ऐसा करवा रहे हैं जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब ABC यहाँ पर फिर से है और 4, 20 और 60 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, वहाँ एक ही जगह 5 था, यहाँ 4 कर दिया, बस बहुत मेहनत हो गई भाई, 60 कर दो, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, मिल करके करेंगे कितने दिनों में, 15, 3, 18, 19, 60/19 हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अब ये 19 + 19 = 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 ही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में है ये सी, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वो पीछे बैठा रमेश सोच रहा है सर ने क्वेश्चन मिटाया नहीं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया। अरे भाई देखो बात ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम है और यहाँ तक कि यहाँ तो वैल्यूज़ भी नहीं बदली, क्या बदला है पढ़ लेते हैं भाई फटाफट। कह रहा है कि भाई ए बी और सी क्रमश किसी काम को 40, 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि एक साथ काम करते हैं तो तिहाई काम कितने दिन में होगा। भाई कुल काम एक दिन में कर रहे हैं 19 और इसका तिहाई काम हो जाएगा 20, तो 20 काम 19 की कार्यक्षमता से कितने दिनों में होगा दोस्तों, ये लो जी ये आंसर है। और ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और थकारने की जरूरत नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ दो भाई, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ए और बी, अरे ए और बी आ गया फिर से, अरे नहीं 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 क्वेश्चन अलग है भाई। ए और बी किसी काम को 10, 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है जी, 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या लगुत्ता, ये हो गई कहानी हमारी बढ़िया। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने कि भाई ठेके का पे काम लिया है और बोला है कि भैया 35,000 रुपये हमका दे दो, हम तुहार काम कर देंगे, तो अब भाई ये दोनों मिलकर के ही तो काम कर रहे होंगे, तो पूछा है कि भाई पैसे लेने की जब बारी आई तो ए ने कितने पैसे मांगे। भाई जाहिर सी बात है काम पूरा हो गया तो दोनों भाई आपस में बांटेंगे ना पैसे कि भाई तेरा हिस्सा ये पकड़, मेरा हिस्सा ये पकड़ो, तो देखते हैं भाई ए का हिस्सा कितना है। ए मेरा भाई ये कुल काम कर रहे हैं एक दिन में 5, जिसमें से 2 काम ये करता है, एक दिन में 5 काम करते हैं जिसमें से 2 काम कौन करता है, ए करता है, तो मजदूरी जो है वो 2 के हिसाब से ही मिलेगी भाई साहब को, तो 5 × 7 = 35, 7 × 2 = 14, 14,000 रुपये मिलेंगे भाई साहब को, यानी कि हमारे ए भैया को। ऑप्शन में ये ए ही है, बताओ ए बंदे को ए ऑप्शन में ही 14,000 रुपये मिल रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई मैं तो इस रमेश से तंग आ गया हूँ, बार बार बोल रहा है सर आपने क्वेश्चन नहीं मिटाया। अरे भैया समझ जाओ बात को, SSC वालों के पास टाइम नहीं है क्वेश्चन बदलने का, बिल्कुल सेम सवाल दे दिया है और इसमें क्या पूछा है कि ए की जगह बी का हिस्सा कितना होगा। देखो भाई खैर ये बात तो सच है कि 35,000 रुपये जब दोनों को मिले और ए को मिला 14,000, तो बी को कितना मिलेगा बचा हुआ पैसा, यानी कि 21,000। पर हमें ऐसे नहीं निकालना, ऐसे नहीं निकालना, क्योंकि ये कहानी जो है वो तो हमें पता ही नहीं होगी, तो हम ऐसे करेंगे और फिर क्या करेंगे, बोलेंगे भाई 35,000 रुपया दोनों भैयाओं को मिला था, बी 3 काम कर रहा है दोनों के 5 कामों में, ठीक है, 5 × 7 = 35 और 7 = 21 आ जाएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर है हमारा बी। देखो भाई ए जब क्वेश्चन, जब ए को पैसा मिला तो ए ऑप्शन में आंसर छुपा था, बी को पैसा मिला तो बी ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ था,
ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। दोस्तों मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन से सर्कस में फंस गया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, पर कॉन्ट्रैक्ट इस बार जो है वो 75,000 का है। अरे वाह वाह वाह, बड़ी मेहनत कर दी भैया, संख्या बदल दी। तो 75,000 कॉन्ट्रैक्ट है और किसका हिस्सा मांगा है, बी का। तो भाई बी जो है वो 3 काम करता है 5 में से, ये हो जाएगा 15 15 3 45। 45,000 रुपये बी को मिलेंगे। बी में है छुपा आंसर? नहीं भाई, इस बार धोखा कर दिया, बी का पैसा ए को दे दिया, अरे ए में छुपा दिया, ये ऑप्शन है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। भाई पहले तो इस रमेश को निकालो क्लास से। अरे भैया साफ सीधी बात है, एसएससी वालों के पास टाइम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सेम दिया है, पूछा है ए का शेयर। तो भाई 5 में से ए काम कर रहा है 2 और 15 दुनी हो जाएगा 30,000। आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है बी। अरे अरे बाबा फिर से धोखा भाई, बी का पिछली बार ए में दे दिया था, ए का इस बार बी में दे दिया, बहुत धोखा है रे बाबा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी क्लास कैसे चल रही है, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा है दोस्तों रमेश घर चला गया, नहीं तो फिर से परेशान करता। भाई क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम है, फ़र्क क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो अब की बार 77,000 का है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब की बार 77,000 का है, लेकिन साथ में एक बदलाव ये भी है कि अभी 20 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है दोस्तों? 20 दिन ले रहा है, कौन? बी। अब अगर बी 20 दिन ले रहा है तो इसको करना पड़ेगा 60, 15 60 20 दिया 60। सवाल यहाँ भी बदल जाएगा थोड़ा सा। अब भाई मुझको किसका हिस्सा निकालना है, निकालना है हिस्सा ए का। ए है 4 और कुल हिस्सा है 7, है जी 7 एकम 7 11 11 चौक 44,000 रुपये किसके अकाउंट में आने वाले हैं भाई, किसके अकाउंट में? बी ए के अकाउंट में, अच्छी बात है। और ऑप्शन कौन सा है? ये बी है, बी ऑप्शन है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आ जाइए फटाफट से, एक नया क्वेश्चन आया है, खाली बोर्ड मिला है हम लोगों को करने को। ए बी और सी किसी काम को 20, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20, बी किसी काम को 24 और सी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई लघुत्तम लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 4 से कर लो भाई, 4 5 20 4 6 24 और 4 9 36 4 अलग कर लिया। ठीक है जी, अब इन दोनों में 3 निकाल लो, 3 2 6 3 3 9 है जी। अब करो भाई बड़ा, 5 2 10 30 और 12 0 से 0 कटा, 2 6 6 18 ठीक है, 12 2 24 15 ठीक है, 12 3 36 10 ठीक है, मिटो लेते हैं इसको। सवाल बहुत नया है, अच्छा 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 बहुत ज़्यादा नया सवाल है भाई। कह रहा तीनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, बहुत नया सवाल है। तो भाई 18 15 33 10 43 30 × 12 / 43 यानी कि 12 3 36 360 / 43 हो जाएगा आपका ये आंसर। अगर इसे फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये आएगा 43 8 और 16। ऑप्शन में है दोस्तों, ए ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका आंसर बिना किसी देरी के, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों आ जाइए, ये एक थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले देखा तो है लेकिन काफ़ी देर हो गई, पिछले 10 मिनट में नहीं किया है भाई। 16 आदमी 12 घंटे काम करते हैं 27 दिन में, ठीक है, 16 आदमी 12 घंटे और 27 दिन की मेहनत मशक्क़त करते हैं, ठीक है जी भाई। तो प्रतिदिन कितने घंटे काम पूरा करना होगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा एक दिन में 18 पुरुषों को 24 दिन तक। कितने पुरुषों को भाई? 18 पुरुषों को। कितने दिन तक भाई? 24 दिन तक। बहुत नया क्वेश्चन है, पहले भी किया हुआ है, कुछ नहीं करना, काटो पीटो आंसर आएगा। एम से एम, डी से डी, 12 2 24 4 4 16 और हाँ 4 4 16 और ये 2 और ये 9 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 27, 3 4 12 12 H बच गया। ये क्या है दोस्तों? और आंसर ऑप्शन में देखे तो डी ऑप्शन है। क्या मज़ेदार क्वेश्चन था, ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है।
कह रहा है 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। भाई 40 40 जो है वो पुरुष हैं, वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाता है? 8 दिनों में। ठीक है जी, तो सवाल आपका ये है कि भाई अगर 4 घंटे वो लोग काम करें, अगर वो 4 घंटे काम करें तो कितने पुरुष लगेंगे 16 दिनों में काम करने के लिए? और 16 दिन मेहनत कर रही है, मतलब 16 दिन मेहनत करनी है, 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने आदमी जो है वो लगेंगे? तो देखो भाई, एच से एच कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो फॉर्म एम के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 4 × 2 = 8, ठीक है जी, 2 = 8, ठीक है जी, 8 × 5 = 40, तो 12 × 5 हो गया 60। मतलब कि 60 लोग मुझको, जो 40 आदमी 12 घंटे 8 दिन में जो काम पूरा करेंगे, वो कितने आदमी चाहिए होंगे मुझे कि 16 दिन में 4 घंटे के हिसाब से हो जाए, तो वो 60 लोग हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो आ जाइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कोई पुरुष जो है वो औरतों के, यानी कि महिलाओं के मामले में 2 गुना कुशल है, यानी कि ये आदमी है और ये हमारी औरतें हैं, आदमी जो है वो 2 गुना कुशल है औरत के मुकाबले में। अगर औरत की एफिशिएंसी 1 है तो आदमी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। आगे वो कह रहे हैं कि भाई 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिन में काम को पूरा करते हैं। कितने? 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में काम को पूरा करती हैं? 2 दिन में। तो बताओ अकेली औरत कितने दिन में करेगी? अब भाई सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, कुल काम कितना है। तो दोस्तों आदमी की एफिशिएंसी और फीमेल की डालो इसमें, देखो 3 × 2 और 2 × 1, 3 × 2 = 6 और 2 = 8 × 2 यानी कि 16। 16 कुल काम है जो कि अकेली औरत को करना है, मतलब एक की एफिशिएंसी से ही कर पाएगी बेचारी, तो 16 दिन लगेंगे उसको। 16 ऑप्शन में कहाँ है? बी में है। तो दोस्तों बी आपका हो जाएगा आंसर, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों देखते हैं हमारा एक और मज़ेदार क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, और बी 20% कार्य 6 दिनों में कर सकता है। बी जो है वो 20% होता है दोस्तों, 1/5 कार्य 6 दिनों में कर सकता है, तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब भाई वो कह रहे हैं कि मिलके काम करते हैं तो आधा काम कितने दिनों में करेंगे? तो ये हो जाएगा दोस्तों 60, 20 × 60 = 30 × 60, 3 × 2 = 5, 5 की कार्य क्षमता से आधा काम, मतलब 30 काम कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 6 दिन में करेंगे। ये ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों? हमारा हो जाएगा आंसर, फटाफट से आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों आ जाइए देखते हैं एक और शानदार क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ए पाइप 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है और बी पाइप 20 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। ए जो है वो भरने वाला टैंक है, 10 घंटे में कर सकता है, और बी जो है वो खाली करने वाला टैंक है और 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? कुल काम, कार्य क्षमता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेंगे, ये हो जाएगा 10 × 10, शिट ये हो जाएगा 10 × 20 और 20 × 20, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि भाई अगर दोनों पाइप खोल दिए जाएँ 6:30 बजे, कितने बजे? 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे, एम लिखा हुआ ना दोस्तों। तो अब सवाल यह है कि किस टाइम में जाकर के वो भर जाएंगे, कितने टाइम में जाकर के वो भर जाएंगे? तो दोस्तों देखो जाहिर सी बात है, मुझे 20 लीटर की मान लो टंकी है। अब भाई 1 घंटे में 2 ये भरता है, 1 ये खाली कर देता है, मतलब 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी भरेगा, तो 20 लीटर की टंकी भरने में कितनी देर लेगी? 20 घंटे लेगी। अब दोस्तों एक तरीका तो ये है 20 घंटे इसमें जोड़ने का कि हम इसको गिने 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा परेशानी का सबब। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बजाय हम 20 घंटे जोड़े, हम करेंगे 24 घंटे जोड़ के और उसमें से 4 घंटे घटा देंगे। भाई देखो 24 घंटे मतलब होता है 1 दिन, तो 6:30 जो आज है मेरे, कल 24 घंटे बाद भी वो 6:30 ही रहेंगे, पर ये आज के 6:30 हैं और ये कल के 6:30 होंगे, ठीक है दोस्तों। अब 4 घंटे कम कर लो तो 6 में से 4 घंटे कम करते कितना हो गया? 2:30 बज गए, तो सुबह के 2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा,
जब मेरा टैंक जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भर जाएगा। समझ में आया दोस्तों आपको मैंने क्या करा है? मैंने क्या करा है कि 20 घंटे ऐड करने के बजाय मैंने क्या करा है कि 24 घंटे ऐड कर लिए, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट टाइमिंग पे आ जाएगा ना, और वहाँ से 4 घंटे माइनस कर लिए, जो कि मेरे लिए ज़्यादा आसान था। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में देखोगे आप तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग 2:30। डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन में ही आपको गिवन है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप ये बात समझें कि हम लोगों ने क्या करा कि भाई 6:30 अगर बज रहे हैं आज, तो ठीक 24 घंटे बाद दिन गुजर जाएगा, कल भी 6:30 ही बज रहे होंगे, तो उसमें क्या हो गया कि 24 घंटे ऐड हो गए, है ना दोस्तों। अब हम लोगों को क्या करना है कि 20 घंटे जोड़ना था, तो भाई मैं गिनता 6:30 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, और तब मैं 20 घंटे जोड़ के पहुँचता। तो मैंने क्या करा कि 24 घंटे जोड़ दिए, सीधा सीधा 6:30 हो गए, और घटा लिया उसमें से 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे पीछे आ गए, तो बात 20 घंटे की ही पड़ेगी। पर वो आसान है क्योंकि 4 घंटे घटाने का मतलब सीधा सीधा है, और 20 घंटे जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट ट्रिक लगाते हैं, सही टाइम में हम लोगों ने लगाई और आंसर हम लोग का आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को 9, 12, 18 दिन में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 9, 12, 18 दिनों में करते हैं, 9, 12 और 18 दिनों में करते हैं। भाई सबसे पहले तो मुझे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनानी पड़ेगी, तो बना ही लेते हैं। 9 के बारे में 18 आता है, ये 9 के लिए काफ़ी है, हटा दो। 6 × 12 6 × 18 36 आ गया, 9 × 36 32, 18 × 36। अब वो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद किसने काम छोड़ा है, ए ने, मतलब कि 3 दिन तक तीनों ने काम किया है, 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया है। तो भाई जब 3 दिन तक तीनों ने काम किया है, तो 4, 3, 7, 2, 9 एफिशिएंसी के हिसाब से 3 दिन में कितना काम करा होगा, 27 काम कर चुके होंगे वो लोग। अब भाई जब 27 काम वो लोग कर चुके हैं और कुल 36 काम है, तो 9 काम ही तो बचा होगा। अब 9 काम जो है मेरा जो बचा है कितने दिन में होगा, तो भाई अगर मेरा ए काम छोड़ के चला गया तो बी और सी बेचारे लगे हुए हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 9 काम 5 ही कार्य क्षमता से कितने दिनों में होगा, 9/5 में ही होगा। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन है ये वाला मेरा बी दोस्तों, सॉरी सी ऑप्शन है, ऑप्शन है दोस्तों कौन सा, ये सी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों जैसे कि आज हम लोगों ने क्या करा, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं CHSL में आए हुए। दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि CGL जो है 2019 का जो पेपर 20 में हुआ है मार्च में, उसके तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी डे 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है डे 1 के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं कि CGL 2018, 2017, 2016 इनमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, पेपर में आ सकते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि पेपर में एकदम से आ जाते हैं, कभी कभार होता है कि कोई हार्ड शिफ्ट में आप अटक जाएं और आपको वैसा क्वेश्चन मिल जाए, तो उस तरह के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम अब ट्रिक भी डिस्कस करने वाले हैं एक दो दिन में, एक दो और। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस हेल्प को दूसरे लोगों तक पहुँचाया जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।